हेलो गाइस, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी ठीक हैं। और आज मनीष कश्यप जी को तमिलनाडु पुलिस लेके गई है। तमिलनाडु पटना एयरपोर्ट से 2:30 बजे की फ्लाइट थी, जो कि उनको रिमांड पे लिया जाएगा तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, और बिहार पुलिस भी साथ में ही थी। तो पटना एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करते हुए मनीष कश्यप जी ने क्या बोला है? मनीष कश्यप जी ने बोला है कि हमारे साथ बिहार पुलिस या तमिलनाडु पुलिस कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया है, बहुत अच्छे से पूछताछ जो भी हुई है हुई है। अब तमिलनाडु में रिमांड पे ले लिया जाएगा उनको, और तमिलनाडु पुलिस उनसे पूछताछ करेगी जो भी होगा सर। और ये भी कहे हैं वो कि हमको फंसाया गया है, हमने वीडियो गलत वायरल नहीं किया था, क्योंकि वो वीडियो पहले से वायरल हुआ था, आया था, तो उसी वीडियो को लेके डाल के वो जो भी बोले हैं कहे हैं उस पे यूपी बिहार के लोगों के लिए वही कहे हैं, ना कि उस वीडियो में कुछ अलग जोड़ के और दंगा कराने का कुछ ऐसा वीडियो डाले हैं, वो खुद कहे हैं अपने। और आज उनको पटना एयरपोर्ट से लेके गई है पुलिस तमिलनाडु। तो गाइस, भगवान से यही रिक्वेस्ट करेंगे और भगवान से गुहार लगाएंगे माता जी से कि मनीष भैया को जल्द से जल्द बेल मिल सके वहाँ से पूछताछ के बाद, और निर्दोष साबित हो मनीष भैया, क्योंकि गलत हो ही नहीं सकते मनीष भैया। हम लोग को तो नहीं यकीन है कि वो गलत हो सकते हैं और गलत चीज़ दिखा सकते हैं। उनका पुराना वीडियो आप लोग उठा के देख लीजिएगा, बहुत पहले से जो भी डाले हैं, जो भी दिखाए हैं सच ही दिखाए हैं, गलत कुछ भी नहीं दिखाए हैं। इतना वीडियो में जब गलत नहीं दिखा सकते हैं, तो एक इस वीडियो में गलत कैसे दिखा सकते हैं? आप लोग पुराना वीडियो उठा के उनका देख लीजिएगा। और मनीष कश्यप जी का आवाज़ उठाए हैं, वो हर लोगों का आवाज़ उठाए हैं, हर गरीबों का आवाज़ उठाए हैं मनीष कश्यप जी। जहाँ जहाँ भी गए हैं, अस्पताल से लेके स्कूल तक, गरीबों के लिए ही आवाज़ उठा के लड़े हैं वो, और सत्यता ही दिखाए हैं मनीष कश्यप जी ने। और वो बहुत बड़े घर से नहीं हैं, वो भी हमारे और आपके जैसे कि यूट्यूबर, यूट्यूब चलाने वाले शुरुआत किए हैं, सच्चाई दिखा के, इनका उनका सच्चाई ही दिखा के आगे बढ़े हैं, ना कि वो अन्य कुछ दिखा के आगे बढ़े हैं या तो अन्य चीज़ करके आगे बढ़े हैं, यूट्यूब में सच दिखा के ही आगे बढ़े हैं। तो आप लोग एक दूसरे का मदद करिए। और बहुत से एक सवाल मन में है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब में जो फेमस हो चुके हैं, कि अगर कोई यूट्यूबर जाता है उनके पास तो उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि सपोर्ट आप करेंगे एक दूसरे का तो आपका सपोर्ट भगवान करेंगे, और आप दूसरे का मदद करेंगे तो आपका भगवान मदद करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, और एक दूसरे का सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए भी आप लोग भी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यूट्यूब पे बहुत गंदे गंदे वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग ऐसा मत करिए, अपना इज्जत क्यों उछाल रहे हैं आप लोग? आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा वीडियो मत डालिए, अच्छा वीडियो डालिए, कोई एक्टिंग करिए, गाने पे बनाइए, लेकिन कुछ अश्लील वीडियो मत डालिए यूट्यूब पर। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतना गंदा गंदा वीडियो डालते हैं, और यूट्यूब को हर कोई मतलब देखता है, घर में फैमिली में बैठ के कोई भी देखता है ऊपर नीचे करके, तो कुछ गलत ऐसा आ जाता है कि अपने आप में खुद शर्मिंदगी महसूस होती है फैमिली के साथ कि हमने चालू ही क्यों किया ऐसा यूट्यूब। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा वीडियो ना डालें आप लोग। फेमस होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, आप लोग फेमस होंगे, लेकिन एक गलत वीडियो मत डालिए आप लोग। सही चीज़ कभी भी देखिए आगे ही रहता है, सत्यता जो होती है, आप सही वीडियो बना के डालेंगे तो कभी गलत, उसको गलत नज़र से कोई देख ही नहीं सकता है, और गलत रहेगा तो आज नहीं कल कोई ना कोई आपसे ज़रूर सवाल कर सकता है, पूछ सकता है कि ये क्या है, आप इसी से फेमस हुए हैं। तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी अपने आप पे खुद ही, अपने घर के लोग, रिलेशन के लोग भी तो वीडियो देखेंगे, बच्चे होंगे वो भी देखेंगे। तो आप लोग ऐसा वीडियो ना डालें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं, आप लोग आगे बढ़िए। भगवान से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवान से दुआ कर रहा हूँ, भगवान से मन्नत मांग रहा हूँ कि आप लोग बहुत आगे बढ़िए। बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं कि
वीडियो अपना पर्सनली चीज दिखा के आगे बढ़े हैं, तो आप लोग भी वैसे करिए ना, कि ये गंदा वीडियो डालिए, अश्लील वीडियो मत डालिए आप लोग। और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके गाइस, बाय।